नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति खंडेलवाल। नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। अस्पताल में लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है ताकि लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर प्रीति गर्ग ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार पलवल के नागरिक अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज से लोगों की इम्यूनिटी पावर बूस्टर होगी, जिससे कोविड-19 के संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दूसरी डोज के बाद बूस्टर डोज लगने का समय आ गया है, वो स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर बूस्टर डोज अवश्य। इसके लिए प्रोसीजर आपका ये कि जिन भी व्यक्तियों के, अभी हमने 60 प्लस के लिए वैसे ये शुरू किया है, लेकिन जो हेल्थ वर्कर थे हमारे या फ्रंट लाइन वर्कर जैसे हमारे पुलिस वाले थे, उन सभी को 9-9 महीने लगभग सबके हो रहे हैं, तो सभी के 9 महीने का इसके लिए अंतराल रखा है। सेकेंड डोज से 9 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज मिलेगी। तो जिन जिन को पूरी हो रही है, अभी फ़िलहाल हमारे जो पहले स्टार्टिंग में हमने 60 प्लस के लिए हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग 60 प्लस वाले तो आने लगे हैं प्रिकॉशनरी अपनी डोज के लिए। तो जैसे सबके जैसे जैसे 9-9 महीने पूरे होते जाएंगे, वो सबको लगती चली जाएगी। मैडम, क्या फ़ायदा है इस डोज का? प्रिकॉशनरी डोज से भी ये है कि आपके अगर बाई चांस आपका इम्यूनिटी लेवल, जैसे कि हमें जनवरी में लगी थी, तो अगर डाउन हो गया आपका, तो उससे थोड़ा बूस्ट हो जाएगा आपको कोरोना से। इस टाइम जैसे बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो उससे लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। तो कम से कम बड़े बुजुर्ग तो या फ्रंट लाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर सब लोग आगे आगे सभी लोग सब सेफ थोड़ी सी अपना रहेंगे। मैं दलवीर सिंह, मैंने पहले अपनी कोवैक्सीन की फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज लगवा लिए, और समय पूरा होने के बाद आज मैंने बूस्टर डोज मतलब तीसरी डोज लगवा ली है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जिसकी जिसका टाइम ड्यू हो रहा है, वो अपनी सभी बूस्टर डोज लगवा लें, जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके। और सरकार ने जो काम कर रखा है डोजों का लगवाने का, ये बहुत अच्छा कार्य है, और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस महामारी से बचा जा सके। मेरा नाम जय नारायण यादव है, मैं प्रकाश विहार से आया हूँ, और मेरी दोनों डोज पूरी होने के 9 महीने बाद मेरे पास मैसेज आया था फ़ोन पे कि आप 15 तारीख को अपनी बूस्टर डोज लगवा के जाओ। उसके लिए मैं आया हूँ, वो डोज मैंने लगवा लिए, और मैं सभी से यही वो कर प्रार्थना करता हूँ कि सब आदमी अपनी डोज लगवाएं, ताकि जो है माइनॉरिटी में अपना जो अपनी मैन पावर है वो बनी रहे और रोग से मुक्ति मिले। मेरा नाम चेतराम शर्मा है, मैं श्याम नगर पलवल का रहने वाला हूं। मैं आज अपनी बूस्टर डोज लगवाने आया हूं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े और रोगों से दूर रहे। इसके लिए प्रोसीजर आपका ये कि जिन भी व्यक्तियों के, अभी हमने 60 प्लस के लिए वैसे ये शुरू किया है, लेकिन जो हेल्थ वर्कर थे हमारे या फ्रंट लाइन वर्कर जैसे हमारे पुलिस वाले थे, उन सभी को 9-9 महीने लगभग सबके हो रहे हैं, तो सभी के 9 महीने का इसके लिए अंतराल रखा है। सेकेंड डोज से 9 महीने के बाद आपको बूस्टर डोज मिलेगी। तो जिन जिन को पूरी हो रही है, अभी फ़िलहाल हमारे जो पहले स्टार्टिंग में हमने 60 प्लस के लिए हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग 60 प्लस वाले तो आने लगे हैं प्रिकॉशनरी अपनी डोज के लिए। तो जैसे सबके जैसे जैसे 9-9 महीने पूरे होते जाएंगे, वो सबको लगती चली जाएगी। मैडम, क्या फ़ायदा है इस डोज का? प्रिकॉशनरी डोज से भी ये है कि आपके अगर बाई चांस आपका इम्यूनिटी लेवल, जैसे कि हमें जनवरी में लगी थी, तो अगर डाउन हो गया आपका, तो उससे थोड़ा बूस्ट हो जाएगा आपको कोरोना से। इस टाइम जैसे बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो उससे लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। तो कम से कम बड़े बुजुर्ग तो या फ्रंट लाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर सब लोग आगे आगे सभी लोग सब सेफ थोड़ी सी अपना रहेंगे। पलवल जिले की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सर्वोदय टीवी आप तक पहुंचाता रहता है। आपके पसंदीदा चैनल द्वारा दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगती हैं? चैनल आपके क्षेत्र की आवाज को बुलंद कर रहा है। आप सभी दर्शक सर्वोदय टीवी के FB पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और खबरों से संबंधित जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।